कैसे हो बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 SST। ठीक है, हमारी बुक कुछ इस तरह दिखती है। चलो आगे देखते हैं। उसमें इंडेक्स, उसमें हमारा पहला लेसन है लेट्स नो द हिस्ट्री। चलो हम इतिहास देखते हैं। ठीक है, टोटल 17 चैप्टर हैं, तो चलो देखते हैं पहला चैप्टर। इन योर सर्कमलम ऑफ द स्टैंडर्ड 6 वी विल नो अबाउट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड ऑफ मैन, लाइक जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटी, एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। सब्जेक्ट अदर देन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस अस विद सोशल लाइफ ऑफ अ प्रेजेंट टाइम। While history gives us information about the past of a human society with the help of which we know our present, is it possible for us to know about social life of present time without having knowledge of past? How was man's life when he had not started using fire? Imagine how must have been life of people without agriculture, road, transportation, house, etc. History given us information regarding all such aspect. History take us to a different world for past. It give us information about customs and traditions, beliefs, diet and dress of people of a different generation. We feel as if we are wandering in some other world. अब क्या होता है कि आप जब 5th स्टैंडर्ड में थे तब ये आपको नहीं आता था SST कोई सब्जेक्ट। अब आप जब 6th में आ गए हो तो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट आया हुआ है जिसका नाम है सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो SST जो सब्जेक्ट है उसमें तीन पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है और पॉलिटिक्स होता है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री वो है कि जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि पास्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती थी। और जब हम कंपेयर करेंगे दोनों से कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री और प्रेजेंट उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि पुराने टाइम के लोग हैं, आज से 1000, 2000, 3000 साल पहले के लोग हैं, वो कैसे रहते थे। ठीक है, उसके बारे में हमें ये पढ़ना है। और बहुत सारे लोग हैं जब फायर की भी इन्वेंशन नहीं हुई थी, जब आग की भी शोध नहीं हुई थी, तो वो कैसे अपना गुजारा करते थे, वो लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे। ठीक है, उसके वहाँ के रूल्स, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स कैसे थे। ठीक है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। और जैसे ही हम ये सब पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो हम ये हमें ऐसा लगता है कि मानो हम कोई नई दुनिया में आ चुके हैं। तो चलो देखते हैं, आज हमारा पहला लेसन है वो हिस्ट्री के बारे में है। यू मस्ट बी थिंक वाई शुड वी स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द पास्ट। History is not only related with the matter of a past but also act as a record with the current system. What were our ancestors? Where did they live? What did they eat? History gives us information about many such a matter. It information us about change that have occurred in a human life. अब हमें history के बारे में क्यों जानना चाहिए? क्योंकि वो जो सारी सिचुएशन है वो जो पास्ट में क्रिएट हो चुकी है, उसकी मदद से हम प्रेजेंट सिचुएशन है उसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लो कि अभी जो कंडीशन खड़ी हुई है हमारे सामने, तो शायद वो पास्ट में अगर खड़ी हुई है तो उस लोगों ने किस तरह से बचे हुए, ठीक है, पास्ट के लोगों ने कैसे वो सामना किया है, उससे हम सीख के इस प्रेजेंट सिचुएशन का सामना कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसीलिए हमें ये जानना है कि हमारे पूर्वज है, हमारे वंशज है, वो कौन है। ठीक है, वो कैसे रहते थे, क्या खाना खाते थे, यही सारी जो चीज़ें हैं उसे हमें उन लोगों का जीवन धोरण, लाइफस्टाइल का पता चलता है। चलो देखते हैं, तो हमारा जो हिस्ट्री है उसको जानना का जो स्रोत है वो क्या क्या है।
सोर्स हैं वो क्या क्या है? टूल्स एंड रिसोर्सिस टू नो हिस्ट्री. चिंतन रीड इन अ न्यूज़पेपर अ 400 अ 4000 ईयर ओल्ड सिटी हैज़ बीन डिस्कवर इन अ कच्छ ऑफ अ गुजरात. ही वॉज सरप्राइज. हाउ कैन वी नो दैट दिस सिटी इज 4000 ईयर ओल्ड? हु माइट हैव बिल्ट इट एंड हाउ? What was the diet of the people there? What type of clothes they must have been wearing? तो चिंतन नाम का एक लड़का होता है कि जो सिक्स्टा क्लास में ही पढ़ता है, तो उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गुजरात के कच्छ में 4000 ईयर और उससे भी पुराना, ठीक है, एक सिटी मिला हुआ है. तो चिंतन को माइंड में ये सीधा क्वेश्चन आ गया कि ये किसने शहर बसाया होगा, वहाँ के लोगों का जीवन धोरण, लाइफस्टाइल, कस्टम्स कैसे होंगे. ठीक है, चलो एक्टिविटी में आपको क्या करना है. फाइंड आउट नर्मदा रिवर इन अ मैप ऑफ इंडिया. थाउजेंड ऑफ ईयर बैक मैन लाइव ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा. आपको क्या करना है, मैप में से नर्मदा रिवर है, भारत का जो मैप है ना, इंडिया का मैप, उसमें से नर्मदा रिवर है वो कहाँ से कहाँ तक बहती है वो फाइंड करना है. जब मैप आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि नर्मदा रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है. ठीक है, अब चलो देखते हैं कि हम ही हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगाते हैं. तो पहला टॉपिक है हमारा ताड़पत्र एंड भोजपत्र, पाल्म लीव्स एंड बीच बार्क. ठीक है, इन द एंशिएंट टाइम मैन यूज पाल्म लीव्स एंड बीच बार्क फॉर राइटिंग. व्हाट वी कॉल अ मैनुस्क्रिप्ट टुडे. ताड़पत्र मीन्स मैनुस्क्रिप्ट रिटन ऑन लीव्स ऑफ पाल्म लीव्स. भोजपत्र मीन्स मैनुस्क्रिप्ट रिटन ऑन ब्रिज बार्क विथ इज फाउंड इन हिमालय. विथ द हेल्प ऑफ मैनुस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाल्म लीव्स एंड बार्क ऑफ अ ब्रिज वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लैंग्वेजेस एंड लाइफ स्टाइल. मैनी सच मैनुस्क्रिप्ट हैव बीन फाउंड. मैनुस्क्रिप्ट रिटन ऑन पाल्म लीव्स एंड बार्क ब्रिज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द मैन ऑफ एंशियंट इंडिया. तो हमें यहाँ पे दो डेफिनेशन याद रखना है, पहला है जो ताड़पत्र और दूसरा है जो भोजपत्र. ठीक है, उसकी डेफिनेशन याद रखना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ताड़पत्र मीन्स मैनुस्क्रिप्ट रिटन ऑन द लीव्स ऑफ पाल्म लीव्स. ठीक है, तो पाम्स का मतलब होता है ताड़, तो ताड़ के पत्तों पे जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ताड़पत्र. ठीक है, अब ये सारे पत्र क्यों कहते हैं तो सुन लो. पत्र उसको इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी जो ट्री होता है ना, उसकी लीव्स पे या तो उसकी जो छाल आती है ना, उसके ऊपर जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको ताड़पत्र या भोजपत्र कहते हैं. ठीक है, उसको हम मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं. अब दूसरा डेफिनेशन है भोजपत्र. भोजपत्र मीन्स अ मैनुस्क्रिप्ट रिटन ऑन द बीच बार्क विच इज फाउंड इन द हिमालयास. ठीक है, हिमालय में से जो भुज नाम का ट्री मिलता है उसकी जो छाल होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम भोजपत्र कहते हैं. और उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो हम उसको, हमें उसकी मदद से प्राचीन इंसान है इंडिया में वो कैसे लाइव करते थे उसके बारे में पता चलता है. यहाँ पे हमें दो पिक्चर दिए गए हैं, तो ये पिक्चर है ताड़पत्र का है क्योंकि वो जो पाल्म लीव से पत्ते है उसके ऊपर से लिखा जाता है, और ये है हमारा भोजपत्र. ठीक है, क्योंकि वो है, वो वृक्ष की जो छाल होती है ना उसके ऊपर लिखा जाता है. सच अ मैनुस्क्रिप्ट हैव बीन प्रिजर्वड इन द टेम्पल एंड मोनास्टरीज. दे हैव टेक्स्ट इन द संस्कृत, प्राकृत एंड तमिल. इवन अ पोएम, ड्रामा स्टोरीज एंड एपिक वेयर ऑल्सो रिटन ऑन अ ताड़पत्र एंड भोजपत्र. दे हैव ऑल्सो बीन प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ बुक्स. दे गिव अस नॉलेज अबाउट द कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, सोशल बिलीफ, लाइफ स्टाइल ऑफ अ किंग, साइंस, एजुकेशन एंड मेडिसिन, एनिमल्स. अब क्या होता है कि ये सारे जो ताड़पत्र और भोजपत्र है ना, वो हमें टेंपल और मोनास्टरीज से मिल जाते हैं. मोनास्टरीज का मतलब होता है मठ. ठीक है, वो वहाँ से मिल जाते हैं. और जनरली ये सारे जो ताड़पत्र और भोजपत्र है वो किस में लिखे जाते हैं, तो संस्कृत भाषा में, या तो
तमिल में और या तो प्राकृत भाषा में लिखा जाता है, और क्या क्या लिखा जाता है, तो उससे हमें स्टोरीज लिखी जाती है, ड्रामा यानी कि नाटक लिखे जाते हैं, क्या तो कोई एपिक, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, ठीक है, वो भी वहां पे लिखे जाते हैं। और इसको किस तरह से संभाल के रखा जाता है, तो उस सारे जो लीव्स होने उसको इकट्ठा करके बुक बनाया जाता है और उसको संभाल के रखा जाता है। उसकी मदद से हमें प्राचीन लोगों के कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज कैसे थे, उन लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, उसके सारे जो तौर तरीके थे वो हमें पता चलता है। चलो दूसरा है इंस्क्रिप्शन, आर्टिकल विच आर कर्व ऑन द मेटल एंड स्टोन आर कॉल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन। वी कैन नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम द स्टोन इंस्क्रिप्शन। मैनी टाइम्स इंस्क्रिप्शन वेयर डन ऑन अ मेटल ऑल्सो। किंग्स एंड किंग्स यूज टू कन्वर्स विद द पीपल बाय कार्विंग हिस ऑर्डर एंड कमांड ऑन दिस रॉक। मैनी किंग्स एंड क्वीन हैव इंस्क्राइब इंफॉर्मेशन अबाउट देयर किंगडम्स विक्टरीज रिलीजियन एंड कल्चर ऑन दिस स्टोन। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर वेरी फेमस। रिकॉर्ड एंड इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन दिस आर लॉन्ग लास्टिंग। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन का डेफिनेशन दिया गया है, तो वो हमें अच्छी तरह से याद करना है। आर्टिकल विच आर कर्व ऑन द मेटल एंड स्टोन आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है क्या कि कोई भी धातु या तो पत्थर के ऊपर जो हम खोद काम करके लिखता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और जनरल ये सारे स्टोन जो इंस्क्रिप्शन है वो किस पे लिखे जाते हैं, तो स्टोन पे लिखे जाते थे। कई बार राजा और महारानियाँ वो क्यों लिखवाती थी ये स्टोन इंस्क्रिप्शन, क्योंकि उसको कोई ऑर्डर या कमांड पास करना था, या कोई विक्ट्री हो चुकी है, ठीक है, कोई बड़ी सी जीत हुई है तो स्टोन इंस्क्रिप्शन करवाते थे, या धर्म और कोई कस्टम की बात हो रही थी तो इसीलिए वो क्या करते थे, ये इंस्क्रिप्शन करवाते थे। यहाँ पे हमें फेमस अशोक का जो शिला लेख है, इंस्क्रिप्शन है, वो हमें दिखाया गया है, ठीक है, जो जूनागढ़ में आया हुआ है। जूनागढ़ हमारे गुजरात में है, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लॉन्ग लास्टिक होते हैं, ठीक है, बड़े लंबे समय तक चलते हैं। जो ताड़पत्र, भोजपत्र और मनुस्क्रिप्ट है ना, वो तो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन इंस्क्रिप्शन है वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं कॉपर प्लेट, ताम्रपत्र। द टेक्स्ट विच इज एनग्रेव्ड ऑन कॉपर शीट इज कॉल्ड ताड़पत्र। मैनी किंग्स हैव एनग्रेव्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमिनेशन ऑफ ऑन ताड़पत्र। सच ए ताड़पत्र हैव बीन फाउंड इन गुजरात इन लार्ज नंबर। दे गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोनेशन। सच अ ताम्रपत्र हैव बीन प्रिजर्व इन द हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पटना नॉर्थ गुजरात, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा अहमदाबाद, BJ लर्निंग एंड रिजर्व रिसर्च स्टडी विद्या भवन अहमदाबाद, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा गांधीनगर में आया हुआ है। तो हमें ये खास याद रखना है। चलो देखते हैं क्या क्या है। कॉपर प्लेट की डेफिनेशन दिया गया है, द टैक्स विच इज एनग्रेव ऑन कॉपर सीट इज कॉल्ड ताम्रपत्र, ठीक है, मतलब कि कॉपर नाम की जो प्लेट्स पे जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉपर प्लेट्स, ठीक है, कॉपर नाम के मेटल पे जो भी हम लिखवाएंगे उसको क्या कहेंगे, कॉपर प्लेट्स यानी कि ताम्रपत्र। तो जनरली ये क्यों लिखवा जाते हैं, तो कोई भी किंग है तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ठीक है, उसका जो वहीवट है वो उसके लिए, और दूसरा है डोनेशन, ठीक है, दान के लिए वो लिखवाते थे, कोई भी राजा महाराजा दान करते थे तो वो ताम्रपत्र यानी कि कॉपर प्लेट्स पे लिखवाते थे, जिसकी मदद से हमें सारी चीज़ें पता चलती थी। तो इंडिया के जो, और उसमें भी खास गुजरात के जो ताम्रपत्र अभी भी मिले हैं हुए और उसको अच्छी तरह से संभाल के रखा है, उसकी जो लाइब्रेरी से वो हमें यहाँ पे दी गई है। सच्चा ताम्रपत्र है बीन प्रिजर्व इन द हेमचंद्राचार्य लाइब्रेरी पटना में है, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नवरंगपुरा में है, अहमदाबाद में भी है वो, और BJ लर्निंग एंड रिसर्च स्टडी विद्या भवन वो भी अहमदाबाद में है, फिर महावीर जैन
आराधना केंद्र कोबा में, तो ये सारे हमें याद रखना है, ठीक है, सच से लेके गांधीनगर तक। कॉइंस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ टू नो अबाउट हिस्ट्री। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम ऑफ द किंग, हिज रिलीजियस कल्चर एंड टाइम फ्रॉम दिस कॉइन। पंचमार्क कॉइंस ऑफ 5th BC हैव बीन फाउंड इन इंडिया, विच इज ओल्डेस्ट कॉइन। अदर देन हिज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइंस ऑफ ग्रीक किंग्स, मौर्यन एज, गुप्त एज हैव बीन फाउंड। दिस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट साइट और स्टेट। चलो देखते हैं। कॉइंस, कॉइंस मतलब कि सिक्के। तो सिक्कों की मदद से हमें कैसे पता चलता है कि क्या क्या है? तो सिक्के हैं वो कब बने हुए थे, ठीक है, और किस राजा ने बनवाए हुए थे, तो उसकी मदद से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में पता चलता है। चलो देखते हैं। तो भारत में, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, तो भारत में पंचमार्क के जो कॉइन थे, जो 5वीं सदी में बनाए हुए थे, 5वीं शताब्दी में बने हुए थे, वो सबसे पुराने कॉइन है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और जनरली ये कॉइन किससे बने जाते थे? गोल्ड, सोने से, सिल्वर, चांदी से और कॉपर यानी कि तांबे से बने जाते थे, ठीक है। जो कौन कौन बनाता था? तो जो ग्रीक के किंग थे वो हमारे मौर्यन डायनेस्टी थी वो, और गुप्त एज आई वो, तो ये सारे वहाँ के कॉइन बनते हुए थे। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे हमें पिक्चर दिया गया है कॉइन्स का, ये देखिए, और यहाँ पे हमें दिया गया है पंच मार्क का, ठीक है, जहाँ पे 5 मार्क भी होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और पंच मार्क उसको इसीलिए भी कहा जाता है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, वो हमें खास याद रखना है। पंच मार्क कॉइन, द कॉइन क्रिएट बाय द प्रेसिंग मेटल पीस इन द माउल्ड आर कॉल्ड पंच मार्क। मतलब कि क्या होता है कि कोई भी सिक्का जब बनता है ना, तो उस पर कोई एक धातु की जो छाप है ना, उसको प्रेस किया जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से क्या होता है कि एक साइड है वो छपा हुआ होता है। चलो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर। तो स्टूडेंट है वो किस तरह से हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, ठीक है, दूसरे जो पढ़ाकू लोग हैं वो कैसे हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट है, कोई हिस्टोरियन है और कोई ट्रैवलर की मदद से भी वो क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट द पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च। दे गो टू एंशियंट प्लेस एंड डिग आउट द हाउस, कॉइन, ब्रिक, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स, सैंपल ऑफ फूड, बोन्स ऑफ मैन एंड एनिमल एक्सेट्रा, and study them and make us aware about the culture of a man of that time। अब क्या है, यहाँ पे वर्ड आया है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब क्या, कि आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है कि वो जो लैंड होती है ना, ठीक है, जो पुराने प्लेस, उसको डिग करता है और उसके अंदर से जो भी निकलता है, जैसे कि हाउस निकलता है, कॉइन, ब्रिक, स्टोन, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स मतलब कि कोई सैंपल ऑफ फूड निकलता है, या किसी आदमी इंसान की हड्डियाँ, एनिमल की हड्डियाँ निकलती है ना, तो उसके बारे में वो रिसर्च और सर्च करता है और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में हमें अवेयर करता है, ठीक है, वही होता है आर्कियोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं। अ मैन हैज बीन वंडरिंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिंस एंशियंट टाइम। मैनी ट्रैवलर हैज विजिट अदर कंट्री टू नॉट लाइफ ऑफ पीपल देयर। From the traveler detail of a such a traveler, we get information about the history and culture of a country. It include travelers like Megasthenes, Pliny, Phaeon and Huizen. क्या होता है कि जब मान लो कि हम जब टूर पे जाते हैं, ठीक है, पिकनिक पे जाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, अपने फ्रेंड के साथ दूसरे दिन डिस्कस करते हैं कि कितना मज़ा आया था, मैंने ये देखा था, मैंने वो किया था, मैंने ये किया था, ठीक है, हमने ये चेंजेस देखे। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो भी पुराने टाइम के लोग हैं वो भी ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो जो ट्रैवलर आते थे ना,
एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो भी कुछ ना कुछ नोट डाउन करते थे, लिखते थे, और जो भी बुक हमें आज मिली है उसकी मदद से हम वो उस टाइम का इतिहास जान सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल सकता है। चलो देखते हैं, तो उसमें से इम्पोर्टेंट जो नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि ये मैगस्थनीज है, पालिनी है, फाइयान है और युएनसंग है, ठीक है। तो उसकी मदद से हमें हमारा जो इंडिया का इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, वो पता चलता है। द रिसर्चेस ऑफ अ आर्कियोलॉजिस्ट एंड अ हिस्टोरियन गिव अस अ ग्लिम्सी ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन विच फ्लोरिश इन द नॉर्थ वेस्ट रीजियन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर इंडस। इन इंडिया मैनी सिटीज एग्जिट एंड मोर देन 4,500 ईयर अगो। इन द सेम वे इट कैन बी ऑल्सो नो द मैनी सिटी डेवलप ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा नियर बाई एरिया अबाउट 2,500 ईयर। अब क्या होता है कि आज से 4,500 साल पहले, ठीक है, इंदूस जो रिवर है ना, सिंधु रिवर, उसके आसपास के एरिया में हमें कई सारे जो हिस्ट्री के प्लेस है वो मिले हुए हैं, और उसी तरह से 2,500 ईयर अगो के जो प्लेसेस है वो हमें गंगा और उसके एरिया के आसपास मिले हुए हैं, ठीक है। जनरली ये सारे जो सिटीज़ है वो कहाँ पे मिलते हैं, तो रिवर के आसपास मिलते हैं। All these tools give us information about the custom food, ATR, technology and culture of a food of that time. By exploring many cities and villages, they give us information regarding cotton, barley, wheat. Besides this, they have also given us information about the animal of that time. अब क्या होता है कि ये सारे cities से हमें ये information मिलती है कि वो time के लोग हैं, वो किस तरह का खाना खाते थे। जैसे कि वो टाइम के लोग है, वो हम यहाँ पे देखते तो वो कॉटन, ठीक है, कपास का यूज़ करते थे, बार्ली यानी कि गेहूं का, ठीक है, जो बाजरा आता है उसका यूज़ करते थे, वीट यानी कि गेहूं का यूज़ करते थे, और साथ साथ वो सारे लोग है वो कौन से एनिमल है वो उसका यूज़ करते थे, वो भी हमें मिलता है। आगे आर्कियोलॉजिस्ट आर द स्कॉलर्स हु स्टडी अबाउट द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो एक पढ़ाकू है, ठीक है, वो रिसर्च करने वाले लोग है, जो कौन सी रिसर्च करते हैं, तो पास्ट के बारे में रिसर्च करते हैं। दे कैटेगराइज द टूल्स फाउंड, डू रिसर्च, कलेक्ट डेटा फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट्स, आर्चिव्स एंड देन स्क्राइब देम इन अ रिजोरस वे। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन ब्रिंग्स पास्ट ऑफ लाइफ। अब क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट वो सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एक ऑर्डराइज करते हैं, मतलब कि क्रमशः लाइंसर उसको अच्छी तरह से फिट करते हैं और फिर हमें वो बताते हैं। चलो देखते हैं, नेम ऑफ द लैंड, मतलब कि हमारे इंडिया का नाम है वो इंडिया क्यों रखा गया, या तो भारत का नाम भारत क्यों रखा गया। वी नो अवर कंट्री बाय टू नेम, इंडिया एंड भारत। The two word India is derived from Indus, which called Sindhu in the Sanskrit. People of ancient Iran and Greece were familiar with the Indus. They come into contact with this region 206 year ago. 2,600 year ago. The Iran is called the Indus River Indus, and people of Greece called Indus. They knew the east bank of the river as India. अब क्या होता है कि मान लो कि ये है सिंधु रिवर, ठीक है, और उसके आसपास का जो रिवर एरिया है, रिवर के आसपास का एरिया, तो उसमें दो लोग आए, एक तो ईरानी आए और दूसरा है ग्रीक, ठीक है। तो ईरानी लोग है वो सिंधु नदी को कौन से नाम से जानते थे, तो सिंधु नदी को इंदुस नदी के नाम से वो जानते थे, और उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या कहते थे, तो वो जो ईरानी लोग है वो कहते थे हिंदोस, ठीक है। और उसी तरह से जो ग्रीक के लोग हैं, ठीक है, जो ग्रीक के लोग वो सिंधु रिवर के आसपास का जो भी
सिस्टम है उसको क्या कहते थे, जो एरिया है उसको क्या कहते थे, तो वो उसको इंडूस कहते थे। ठीक है, इंडूस देखो, ईरानी है वो हिंदूस कहते थे, ग्रीक लोग है वो इंडूस कहते थे। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हिंदूस और इंडूस इन दोनों नाम से हमारा इंडिया नाम पड़ा, हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब देखते हैं, वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम द ऋग्वेद। अब भारत नाम हमारे इंडिया का क्यों पड़ा, क्योंकि भारत नाम है। ठीक है, जो भारत नाम वो ऋग्वेद में हमें दिया गया है। अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम भारत केम टू सेटल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज फ्रॉम देयर नेम दैट आवर कंट्री नेम टू बी नो एज भारत। दिस ग्रुप इज ऑल्सो मैंशन इन द अर्ली वर्क ऑफ अ संस्कृत लाइक अ ऋग्वेदा। अब क्या होता है कि जो भारत नाम है वो हमें ऋग्वेद में से पता चला, और ऋग्वेद के अनुसार जो भारत नाम का एक जो ग्रुप है वो नॉर्थ वेस्ट में रहने आया था, इसीलिए हमारे पूरे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, और ऋग्वेद है वो एक संस्कृत का अच्छा बुक है। ये जो हमने पहले पिछले साल में SST में पढ़ा होगा कि ठीक है, चार वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखते हैं डेट लाइन। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इवेंट्स कैन बी रिटन अलोंग विथ टाइम एंड प्लेस। वी कैन रिलेट टाइम विथ डेट, मंथ एंड ईयर, सच एज जुलाई 20, 2018 फॉर अ डे एज पर इट टाइम एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट फाउंडर ऑफ Christianity has been associated with the deadline. We call it Anno Domini AD, which means the year after birth of Jesus Christ. Example, 2000 AD means 2000 year after the birth of Jesus Christ. Similarly, BC before Christ means year before the birth of Jesus Christ. Example, 2000 BC means 2000 year before the birth of Jesus Christ. ठीक है, तो चलो क्या कहते हैं यहाँ पे कि हिस्ट्री में टाइम और इवेंट्स, मतलब कि जो इवेंट्स होती है उसका टाइम और प्लेस के साथ बहुत ही ज़्यादा और गहरा संबंध है। हमें हिस्ट्री कोई भी लिखनी है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, तो हमें ये चाहिए कि जो भी प्लेस है उसका राजा कौन था और किस टाइम पे वो राज करता था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। इसीलिए क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमने सारे के सारे जो डेट है उसको हमने डे में, मंथ में और डेट वाइज लिखना शुरू कर दिया। और पूरे वर्ल्ड में जो क्रिश्चियनिटी जो फैली हुई थी, ठीक है, मतलब कि जो ख्रिस्ती लोग हैं वो फैले हुए थे, उसका धर्म फैला हुआ था, इसीलिए सब लोगों ने जो जो क्रिश्चियन के जो गुरु है जीसस क्रिस्ट, उसके बर्थ को 0 year 0 साल डेफिनेट कर लिया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हम जो नंबर लाइन दी गई ना उसकी मदद से हम समझने का कोशिश करते हैं। तो 0 year है मतलब क्या कि बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, यहाँ पे जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ, उसके बाद की साल है, ठीक है, जब हम यहाँ पे लाइव करते हैं ना 2020 में, तो 0 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आता था, जैसे ऐसे हम पहुँच गए 2020 में। तो ये सारी की सारी जो साले है, ठीक है, जो सदिया है, ठीक है, उसको हम किस में लिख सकते हैं, एडी में, ठीक है, जैसे कि AD 2020। ठीक है, और जब जीसस क्रिस्ट बॉर्न नहीं हुए तो उसके पहले की भी जो हमें डिटेल मिलती है ना, तो उसको हम कहते हैं BC, मतलब कि उसके पहले की जो सेंचुरी है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, नंबर लाइन में माइनस लिखते हैं ना, -1, -2, तो उसी तरह से माइनस में जो हमें डेटा मिलता है तो उसको क्या लिखते हैं, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, ये है एनो डोमिन। ऑफ्टन इज रिटन एज CE इंस्टिंट ऑफ AD एंड BCE इज रिटन इन इंस्टिंट ऑफ BC। CE मीन्स कॉमन एरा, वाई BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा।
As a Christianity is associated with most of nation of the world, we use the same deadline in the India as many nation. In a many case of the world, BP is also used, which means before present. अब क्या होता है? मान लो कि ये क्रिश्चियन जो जीसस क्रिस्ट है उसका बॉर्न हुआ है, तो उसके बाद का जो जो डेट है उसको हम क्या लिखते थे? एडी, एनो डोमिन. इसके बदले हम लिख सकते हैं सीई, मतलब कि कॉमन एरा. और जीसस क्रिस्ट के बॉर्न के पहले हम क्या लिखते थे? बीसी, मतलब कि बिफोर क्रिस्ट. तो उसके बदले हम लिख सकते हैं बीसीई, ठीक है, मतलब कि बिफोर कॉमन एरा. और इसके इंस्टेंट हम ये भी लिख सकते हैं बीपी, मतलब कि बिफोर प्रेजेंट, ठीक है. तो हम इस साइड तीन चीज़ों को लिख सकते हैं, जबकि इस साइड दो चीज़ों को लिख सकते हैं, यानी कि सी ई 2020 भी लिख सकते हैं और ए डी 2020 भी लिख सकते हैं. होप आपको ये समझ में आ गया होगा. यहाँ पे दिया गया है बी सी यानी कि बिफोर क्रिस्ट और ए डी एनो डोमिन. अब एनो डोमिन है ना, उसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे एनो और डोमिन ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ठीक है, ग्रीस लैंग्वेज के वर्ड है, ठीक है, ग्रीस भाषा है, उसके मीनिंग है. और जिसका मतलब क्या होता है एनो डोमिन का मतलब? उसका मतलब ये होता है इन द ईयर ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड के सालों में, ठीक है. जब हम भगवान यहाँ पे जीरो सदी में बॉर्न कर चुके हैं, तो अब हम तो पहुँच चुके हैं 2020 में, यानी कि भगवान हमारे साथ साथ है, या इसीलिए कहते हैं इन द ईयर ऑफ गॉड, ठीक है. अब स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्टोन के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है उसको, और ब्रिज इंस्क्रिप्शन मतलब कि भोजपत्र के हमने बारे में सुन लिया था. चलो देखते हैं एक्सरसाइज क्या है. उसमें हमें एमसीक्यू दिए गए हैं, चलो देखते हैं एमसीक्यू किस तरह से सॉल्व होते हैं वो. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट करेक्ट आंसर. इन द एंशियंट टाइम मैन यूज टू राइट ऑन व्हिच थिंग्स, ठीक है. पहला एमसीक्यू ये है कि पुराने टाइम पे आदमी ये वो किस पे लिखता था? क्या वो कपड़े पे लिखता था? नहीं. पेपर पे लिखता था? नहीं. लेदर पे लिखता था? नहीं. वो किस में लिखता था? इनर बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, जो ट्री की आंतर छाल थी उस पे वो लिखता था. दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ टू नो हिस्ट्री. नीचे में से हिस्ट्री का सोर्स कौन कौन नहीं है वो हमें फाइंड करना है. तो हमने रिकॉर्ड्स के बारे में बताया था, हाँ, रिकॉर्ड से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. फिर है कॉपर प्लेट्स, हाँ, तो उसकी मदद से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. और है ब्रिज बार्क, मतलब कि उसकी मदद से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. तो कौन नहीं है? तो व्हीकल्स, व्हीकल्स की मदद से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता नहीं है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर आएगा व्हीकल्स. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग लास्ट लॉन्गर, ठीक है, नीचे में से कौन सी जो राइटिंग है वो लॉन्गर है, मतलब कि बड़ी लंबे समय तक वो रह सकती है. तो रिकॉर्ड से वो क्या लंबे समय तक रह सकते हैं? नहीं. फिर राइटिंग ऑन क्लॉथ, क्लॉथ पे लिखना है वो लंबे समय तक रह सकता है? नहीं. राइटिंग ऑन पेपर, पेपर के ऊपर लिखना है वो भी लंबे समय तक नहीं रख सकते. फिर है राइटिंग ऑन लीव्स ऑफ ट्री, तो ट्री के पत्तों के ऊपर लिखना है वो भी लंबे समय तक रह सकता नहीं. तो सचमुच में आंसर आएगा रिकॉर्ड्स, ठीक है. रिकॉर्ड्स क्या है? तो जब हम स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन करते हैं ना, वही रिकॉर्ड्स, ठीक है. फिर है क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ शॉर्ट. पहला है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बीसी, ठीक है. बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, उसका मीनिंग हमने पहले ही पढ़ा है, तो आप लिख लेना वो. फिर है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिन, ठीक है. और नीचे जो लाइन दी गई थी इन द ईयर ऑफ गॉड, वो भी आप लिख सकते हो. फिर है विच इज़ द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ इंडिया क्या है, जो पाँचवीं सदी में मिले हैं, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, पाँचवीं सदी में मिले हुए वो कॉइन जिसका नाम है पंच मार्क कॉइन, वो पुराने कॉइन है. फिर है फोर्थ वन, विच आर द सोर्स टू नो द हिस्ट्री, हिस्ट्री जानने के कौन से स्रोत हैं सोर्सेस से. तो हमने पहले से जो पढ़ा हुआ है ताम्रपत्र, भोजपत्र, फिर है इंस्क्रिप्शन, फिर है कॉपर प्लेट्स,
कॉइन, और है हिस्टोरियन और ट्रैवलर। इसकी मदद से हम हिस्ट्री को जान सकते हैं। ठीक है, चलो मैचिंग दिया गया है तो मैचिंग करते हैं एक बार। रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स का मतलब होता है टैक्स, एनग्रेव ऑन स्टोन। फिर है भोजपत्र, भोजपत्र क्या है तो बार्क ऑफ ब्रिज ट्री। फिर है ताड़पत्र, तो टैक्स एनग्रेव ऑन कॉपर। फिर है BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट। फिर AD है तो एनोडोमिन। इस तरह से हमारा मैचिंग कंप्लीट हो गया और यहाँ पे हमारा यूनिट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।